ट्रिक्स एंड टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और फुल एनर्जी एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने काम में मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या मसों से परेशान है? क्या आपकी बॉडी पे कहीं भी मसे हैं? मसे जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं और कितनी भी उपाय यूज कर लीजिए, ये जल्दी जाते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाई हूँ, एक ऐसा अनोखा उपाय लाई हूँ जिसकी यूज करने से आपको एक सप्ताह के अंदर ही आपके मस्से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे मस्सा था और उस जगह पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी, ना कोई स्किन बर्निंग होगी, ना कोई दाग पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मस्सा था। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने तीन उपाय कम से कम आपको बताए हैं और इसमें से आप कोई भी उपाय यूज कर सकते हैं, लेकिन लहसुन वाला जो उपाय है वो मेरा खुद का पर्सनली यूज किया हुआ है, तो उस पर मुझे ज़्यादा विश्वास है क्योंकि मैं उसको यूज कर चुकी हूँ। तो आप भी, अगर आपको ये दिक्कत हो तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के मस्से को निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ये है गार्लिक और इसको छील लेना है। अच्छे तरीके से छीलने के बाद में इसको कुचल लेंगे हम। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से कुचल लेना है और फिर इसको जहां पर हमारे मसा है वहां पे रब कर देना है। अब इसको, ये लहसुन का पेस्ट, इसके ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए इस टाइप का ये मसा, इसके ऊपर हमको रब कर देना है ऐसे, इस तरीके से। और इस तरीके से आप दिन में, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, 2 से 3 बार भी कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं अगर आपके पास टाइम है तो दिन में 1 बार भी करेंगे तो 1 सप्ताह में आपका ये मसा झड़के अपने आप से ही गिर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मसा कहाँ पर था। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है हमारा, ये हमने इसमें लिया है प्याज का रस। इसको आप चाहे कुचल कर निकाल लीजिए या पीस कर, जैसे भी निकाल लीजिए, 1/2 चम्मच हमें प्याज का रस चाहिए और एप्पल साइडर विनेगर चाहिए। अगर एप्पल साइडर विनेगर आपके पास नहीं है तो हमारे घर में जो नॉर्मल यूज़ होता है विनेगर, हम चाइनीज खाने में यूज़ करते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमको 1/2 चम्मच ये प्याज का रस और 1/2 चम्मच ये विनेगर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भी हम अपने मस्से पे लगाएंगे। फिर इस मिक्सचर में हम कॉटन को डिप करके इस पे रब करेंगे। इस तरीके से अगर आप 1 वीक तक इसका यूज करेंगे तो उससे भी ये खत्म हो जाएगा। कम से कम इसमें हफ्ते से, सप्ताह से 10 दिन तक लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, गायब हो गया ना आपका मसा? और अगर गायब हो गया है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाने के बाद पे ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो फिर आऊंगी कोई और अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक ही अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।